हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेणुका क्रिएशन में फ्रेंड्स और मेरी प्यारी संगीनियों आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ उलेन कैप जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है फोर नंबर की सिलाइया सीजर कुछ पिंस लिया है हमने एक सुई हंड्रेड ग्राम ऊन लिया है और इंच तो हमें क्या करना है घर हम कैसे स्टार्ट करते हैं सिलाइयों पे वो सीखना है सबसे पहले हमें ऊन लेनी है और इस तरह से इसे राउंड करना है ऐसे आप ले लें और इसे टाइट करें ये बहुत ही सिंपल तरीका है घर छानने का देखिए इस अंगूठी में ऐसे फसाना है और इसे बिल्कुल टाइट टाइट करें जब हम घर छानते हैं तो इसे लूज बिल्कुल भी नहीं करना है इसे आप टाइट बनाए और यहाँ पे मैं टोटल 56 टाइम इसे बनाऊंगी अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेम मेथड से 56 टाइम हमने ये घर छाना है तो इसे आप काउंट भी कर सकती हैं फोर एट ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी ताकि हम सिंपल डिजाइन बना सके तो ऐसे ही पूरा हमें इस साइड कंप्लीट कर लेना है अब देखिए यहाँ पे हमने वन लाइन कंप्लीट कर लिए हैं ये फर्स्ट लाइन हो गया अब हमें सेकेंड लाइन में क्या करना है आप सिलाई को ऐसे बैक साइड करें दूसरी सिलाई फर्स्ट घर हमें क्या करना है सिम इसी तरह से उतार लेनी है हमें सेकेंड घर से हमें बनाना है तो आप कांटे को इस तरह से रखना है फंदा इसके ऊपर इस तरह आएंगे सेम वही स्टेप ये बहुत ही इजी मेथड है ये मैं न्यू बिगनर जितने भी हैं, न्यू सीखने वाले उनके लिए डिजाइन अपलोड कर रही हूं फ्रेंड्स ताकि आपको बनाने में कोई भी कठिनाई महसूस ना हो और आप इजी वे में इसे आप बना सकती हैं और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे मोटी ऊन ले रहे हैं ये ऊन की क्वालिटी थोड़ी मोटी है फ्रेंड्स तो इसके लिए हमने यहाँ पे फोर नंबर की सिलाइयां यूज की है अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप सिक्स नंबर की सिलाइयां यूज कर सकती हैं तो सेम इसी मेथड से हमें पूरा सेकेंड लाइन भी बनाना है अब देखिए यहां पे हमने सेकेंड लाइन बिल्कुल कंप्लीट कर ली है तो अब हमें ये जो बनाना है एट इंच तक ठीक है ये इसकी लंबाई जो है हमें एट इंच तक ये बिन्नी है सेम सेम डिजाइन प्रोसेस क्योंकि हमें कैप की जो लेंथ है वो टेन इंच रखना है कैप की पूरी लंबाई दस इंच होनी चाहिए इसलिए हम आठ इंच तक इसकी जो है बुनाई करेंगे अब देखिए हमने यहां पर एट इंच बना लिया है पूरा आप मेजरमेंट देख सकती हैं, एट इंच तक अब हमें क्या करना है एट इंच बनाने के बाद हमें अब घटाना स्टार्ट करना है तो अब घटाने के लिए हमने जो यहाँ पे पिंस लिए थे फाइव सिक्स पीसेस सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में एट एट घर पे हमें मार्क लगानी है इससे ताकि आप इजी प्रोसेस में इसे घटाना सीखें और एक खास बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि बिनने से पहले आप गोले को इस थैली में जरूर रखें ताकि हमारे जो ऊन है वो लाइट कलर के हैं वो गंदे ना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है देखिए ये जो हमने पिंस लिया है दो चार छ आठ जहां पे ये एट आठवां घर है सिलाई पे वहां हमें इस तरह से आप पिन ले लें इसके जगह आप सेफ्टी पिन भी यूज कर सकती हैं जो अवेलेबल हो आपके घर पे वो आप यहाँ पे यूज कर सकती नेक्स्ट जो मैं यहां पे फिर वो एट पे ही हमें लगाना है दो चार छ आठ नेक्स्ट पिन आप देखिए इसी तरह से हमें आठ आठ घर लेनी है सिलाईयों पे ये टोटल यहाँ पे जो है इस तरह से हमें डिवाइड करना है अब देखिए यहाँ पे हमने पिंस लगा दिए हैं ये एट एट टाइम्स एट एट घर जो है यहाँ पे है ये टोटल सेवन सेक्शन है देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन सेक्शन हो गए इस तरह से हमें डिवाइड कर लेना है तो ऐसे हमें करने से एक भी घर की आपकी मिस्टेक नहीं होगी तो सेम इसी प्रोसेस से आप आगे बनाए तो देखिए फर्स्ट घर हमें इस तरह से उतारना है सेकेंड सेम वही प्रोसेस से हमें बीनते जाना है टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब हमें क्या करना है देखिए सिक्स घर हमने यहां पे बीने हैं और दो घर इस कांटे पे हैं। देखिए यहाँ पिन आ गए फिर तो इन दोनों घरों को हमें एक साथ बिनना है ऐसे आपको लेनी है और आप एक खास ध्यान रखें कि ये जो सिलाईया हैं हमें इस तरह से क्रॉस बनाए और इस तरह से फंदा लेना है अब देखिए यहाँ दो घर का एक घर हो गया फिर अगेन हमें पिन को इस साइड लेने ले लेना है नेक्स्ट उसी तरह से बनाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमने सिक्स घर बनाया और अब ये जो दो घर हैं इसे हमें एक साथ लेने हैं तो यही है घटाने का बिल्कुल आसान सा प्रोसेस देखिए दो घर हमने घटा लिया इस पिन को अब वापस इसमें ले लेना है नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस से हमें यहाँ लास्ट तक बनानी है अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है अब हमें सेकेंड क्या करना है बैक साइड ऐसे पलटाना है और नेक्स्ट हमें पीछे साइड बैक साइड घर नहीं घटाने हैं जैसे हमने इस साइड इस लाइन में घर घटाया तो नेक्स्ट टाइम हम सारे को सिंपल जैसे हम बिन रहे थे वैसे बिन लेंगे फर्स्ट घर उतारना है सेकेंड घर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एम सेवन अब हर सेक्शन में सेवन घर हैं हमारे पास अब हमें क्या करना है सेकेंड लाइन में आते ही अब हमें ये पिंस निकाल देनी है क्योंकि पिंस से क्या होता है ना कि ये ऊन आपके फंस सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की ऊन ली है आपके घर में जो भी अवेलेबल ऊन हो आप इस तरह से दो नॉट लगाकर सर्कल जैसा आप बना देखिए मैंने यहाँ पे सिक्स पीसेस सेम इसी तरह से बना लिए हैं और आप इसके जगह पे छोटे वाले रबर भी यूज कर सकते हैं ये मैंने बना लिया है और अब हमें क्या करना है पिन के जगह हमें इसे इंसर्ट कर देना है सिंपल अब नेक्स्ट बनाते जाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन घर हो गए हमने बैक साइड बिल्कुल नहीं घटाना है ये पिंस निकालनी है बहुत इजी से और अच्छे से ताकि हमारे ऊन जो है वो फंसे नहीं खींचे नहीं और ये ब्लैक वाले जो मार्कर हमने यहाँ पे लगाए हैं वो आप लगाएं, और सेम वही पैटर्न से हमें पूरा यहाँ बैक तक आना है अब देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और सारे पिंस के जगह जो है वो हमने सारे ब्लैक कलर के मार्कर लगा दिए हैं ऊन लगा दिए हैं अब हमें क्या करना है फिर फ्रंट साइड आनी है और इस साइड हमें फिर से अगेन दो दो घर घटाने हैं जहां जहां ब्लैक ऊन लगाए हैं हमने मार्कर सिर्फ वहीं पे हमें घटाना है देखिए सेम इस स्टेप फाइव घर हमें बनाने हैं और दो घर जो है हमें वो घटाने हैं तो देखिए ये दो घर को हमें इस तरह से देखिए ब्लैक मार्कर आ गए हैं दो घर को हमें ऐसे क्रॉस बनाना है फिर हमें इस तरह से इसे घटाना है अब ये ब्लैक वाले मार्कर जो है वो इस कांटे पे ले लें आप सेम वही प्रोसेस नेक्स्ट आगे करना है हमें आप बिनती जाए और बिनते जाए और मार्कर को जो जहां, जहां मार्कर है उसे सेम इस कांटा पे उतारते जाए फिर इसके बैक साइड बिल्कुल प्लेन जैसे हमने भी बनाया था जब हम इस साइड आएंगे तभी हमें घटाना है और बैक साइड में सिंपल बिनाई होगी एक लाइन तो इस तरह से हमें घटाते जाना है जैसे यहाँ पे दो चार छ एक सात लाइन है तो ये फिर पांच लाइन आएंगे फिर चार लाइन आएंगे इस तरह से हमें इसे घटाते जाना है मुझे घटाना है अब फोर की जगह थ्री आएंगे फिर ये ब्लैक वाले है, इस पे ले लेना है हमें मार्कर को फिर अगेन उसी प्रोसेस से एक लाइन पूरा यहां से यहां तक हमें बनाना है देखिए लास्ट वाले में भी फोर घर हैं, तो यहां जब हम बनाएंगे तो ये थ्री घर बन जाएंगे देखिए इस तरह से अब देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गए हैं और हर सेक्शन में तीन तीन घर अब बचे हैं ठीक है अब हमें इसे पलटाना है और इस साइड पूरा हमें बिनाई करनी है बगैर घटाए हुए पहला घर हमें उतारना है अब देखिए दो दो घर बच गए हैं तो इन दोनों को हमें नहीं घटाना है इस साइड हमें सिर्फ सिंपल बिनाई करनी है फंदा इस तरफ लेना है नेक्स्ट जब हम उस साइड जाएंगे तभी हमें घटाना है तो जब इस बार जब हम घटाएंगे तो ये तीन की जगह दो घर बच जाएंगे अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हर सेक्शन में दो दो घर बच गए हैं अब अब हमें क्या करना है इस ऊन को हमें वन मीटर के अप्रोक्स लेकर इसे हमें कट करना है यहाँ कट करने के बाद इसमें आप निडिल लगाएं अब देखिए हमने इसमें निडिल लगा लिया है अब हमें क्या करना है ये स्टार्टिंग छोड़कर हमें बैक साइड से इसकी पीछे पीछे के साइड से हमें इस तरह से दो दो घर दो -दो जो इसमें हर सेक्शन में है उसे इस तरह से हमें सुई पे चढ़ाना है देखिए फिर अगेन तीसरे सेक्शन के तीसरा सेक्शन हमने ले लिया अब चौथा इस तरह से हमें ब्लैक वाले जो मार्कर हमने लगाए हैं उसे आप बिल्कुल अटैच ना करें इसमें देखिए और इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि इसे जो है हम पीछे के साइड से इन करें और अब ये लास्ट वाली दोनों घर हमने अब ले लिया अब हमें क्या करना है इसे टाइट करने से पहले हमें इसे स्लाई पर से निकाल देना है देखिए हमने निकाल दिया और सारे मार्कर जो हैं वो हटा लेने हैं अब और इसे थोड़ा थोड़ा इसे टाइट करना है पूरा टाइट अभी ना करें फ्रेंड्स देखिए इसे हमने हाफ ही टाइट किया है अब हमें क्या करना है देखिए इस तरफ है ये ऊन और अब हमें सिंपली वन राउंड इसे और हमें अंदर की तरफ ले जाना है यानी कि हम इसे डबल कर रहे हैं ताकि जब हम कैप को यूज करें तो ये बिल्कुल फटे ना अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैंने डबल कर लिया है और अब हमें क्या करना है इसे स्मूथली बिल्कुल पहले फर्स्ट वाले जो ऊन हमने घुमाए थे उसे टाइट करनी है फिर सेकेंड वाले को स्लोली स्लोली आप करें और ये पूरा ऐसे टाइट हो जाएगा अब देखिए फर्स्ट वाली हमने टाइट कर ली और अब ये सेकेंड वाली लाइन अब ये देखिए ये पूरा टाइट हो गया यहां सारे घर यहाँ बंध गए हैं अच्छे से आप इसकी बैक साइड भी देख सकती हैं सेम नॉट है और अब हमें क्या करना है इसे इसे आमने सामने घर को मिलाते हुए हमें स्टिच करते जाना है तो स्टिच हम ऊपर से करेंगे अंदर से नहीं करेंगे ये फ्रंट साइड है हम कैप की तो आप जब भी इसे स्टिच करें तो ऊपर की साइड से स्टिच करें इस तरह से हमें दोनों भाग को जोड़ देना है ताकि ये जो नॉट जो है ये जो लाइन है आपस में वो बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसा दिखे देखिए इस तरह से हमें ये लाइन मिलाते हुए यहाँ पे हमें इस पूरा यहां से यहां तक स्टिच कर लेना है अब देखिए यहाँ पे मैंने यहां से यहाँ तक स्टिचिंग कर ली है और अब देखिए लास्ट में हमें ये इस तरह से हमें स्टिचिंग करके अंदर की तरफ हमें नॉट लगानी है स्टार्टिंग में जो हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा था आप उसमें ही नॉट लगा लें और ये बिल्कुल हल्का लगाए सेकेंड वाले नॉट को टाइट करें टाइट करने के बाद अब हमें इसे थोड़ा इतना छोड़कर हमें कट करना है और ये जो ऊन बच जाते हैं इसे अंदर की ओर इसमें हमें एडजस्ट कर देना है अब देखिए इसे अंदर की ओर करके हमने ऊन को यहाँ पे कट कर दिए हैं तो इस तरह से आप ऊन को कट कर दें और देख सकते हैं आप इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें क्या करना है ये जो हमने कैप बनाया है इसकी मेजरमेंट देखनी है तो देखिए ये जो है नाइन इंच है इसकी चौड़ाई नाइन इंच है और इसकी लंबाई जो है वो टेन इंच है तो इस मेजरमेंट की हमें कैप बनानी है फ्रेंड्स तो अब ये कैप आप देख सकती है बनकर रेडी हो गया है मेथड बहुत ही इजी और सिंपल है फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राई करें जरूर बनाएं तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय